विष्णु, कोई अपडेट इस वक्त आपके पास वहां से कोर्ट रूम के अंदर से? बिल्कुल, अभी कोर्ट रूम के अंदर से किसी प्रकार की अपडेट नहीं आ रही है, वहाँ बिल्कुल पूरी तरह सुनवाई पे चल रही है। हाँ। लेकिन बाहर जरूर हलचल है। हाँ। कि इसके आधार पर कह सकते हैं कि जल्दी ही इस मामले में कुछ खबर आने वाली है। हाँ। फिलहाल अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं, ये जानकारी मिल पाई कि जज पहुंच गए अंदर। आपको एक बात बता दूं, बहुत बड़ी खबर है कि फैसला पढ़ना शुरू हो गया है। अच्छा जी, बिल्कुल जज पहुंच के नहीं, फैसला पढ़ना शुरू हो गया है। अब मुलजिमों को जो फैसला है, वो फैसले के जो बिंदु है सजा के, वो पढ़कर सुनाना शुरू हो गए। अभी अभी मेरे जो सहयोगी है आशुतोष, उन्होंने ये जानकारी दी है। आइए आशुतोष से ही बात कर लेते हैं कि आशुतोष, क्या अपडेट है आपके बारे पास में? देखिए, तकरीबन दो मिनट पहले जो जज अजय कुमार शर्मा है, जो सजा का ऐलान करेंगे और सजा सुनाएंगे चारों दोषियों को, वो अपनी चेयर पर पहुंचे और अब सजा पढ़ना शुरू हो चुका है। जैसा हमने बताया कि सभी बिंदुओं पर बात की जाएगी, आठ जो मामले में उस आठ मामलों को लेकर सजा जाएगी। और बहुत हद तक संभव है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि इन आठों मामलों में जो सजा है, जो सजा के बिंदु होंगे, सजा के प्रावधान होंगे, वो भी अलग अलग होंगे उन धाराओं के हिसाब से, जिस व्यक्ति का, जिस आरोपी का जैसा दोष होगा उस हिसाब से। जी बिल्कुल, अभी मेरे सहयोगी ने जानकारी दी कि अब जो जज है अजय कुमार शर्मा, वो उन्होंने जो फैसला है वो पढ़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें महज कुछ ही क्षणों का समय लगेगा। विष्णु, मैं चाहूंगा आप अंदर से किसी तरीके से कम्युनिकेशन बनाए, अंदर कोर्ट रूम में जज क्या कह रहे हैं, दलीलें क्या दी जा रही है, किस बात को लेकर चर्चा जिक्र किया जा रहा है, एक एक जानकारी आप वहां से पहुंचाएं तुरंत। बिल्कुल, हमारे जो सहयोगी हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं। फिलहाल चूंकि वहाँ मोबाइल ले जाना प्रतिबंध किया हुआ है, इसलिए वो सुन रहे हैं पूरा फैसला कि क्या जज फैसला दे रहे हैं। अब वो बाहर आके ही इस बारे में कुछ प्रतिक्रिया दे पाएंगे, जो ही प्रतिक्रिया आएगी दर्शकों तक पहुँचा दी जाएगी। जी चलिए ठीक है विष्णु, लगातार आप वहाँ पर बने रहिए, जैसे कुछ आता है तुरंत आप इशारा करिएगा, मैं आपके पास आऊँगा। रत्नू साहब, जज साहब पहुँच चुके हैं, फैसला सुनाया जा रहा, तमाम बातों पर अभी भी तर्क वितर्क हो रहा है। जी देखिए, तर्क वितर्क का तो अब प्रश्न रह नहीं गया, क्योंकि उसके ऊपर तो बहस की जा चुकी है। अब तो केवल इतना ही करना है कि कितनी सजा दी जा रही है, क्यों उतना फैसला सुनाया जाना बाकी है। जो दलीलें कम दंड देने की या अधिक दंड देने की थी, वो दलीलें तो पूरी हो चुकी है। अब तो जज साहब को केवल इतना करना है कि उन्होंने किसकी दलील को सही माना, केस की परिस्थितियां क्या कहती है, और उसके हिसाब से मुलजिमों को क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो केवल इतना ही काम शेष रह गया है। चूंकि आठ फैसले हैं, इसलिए आठ फैसलों में टाइम, हर सेक्शन में कितनी सजा दी है और कितना फाइन किया है, वो चीज़ पढ़ने में कुछ समय ज़रूर लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद है कि शीघ्र ही फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन इंतजार इसी बात का किया जा रहा है, जैसे चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती है कि एक अपडेट आपके दर्शकों तक पहुंचाते जाएंगे। आठ बम धमाके उस दिन हुए थे, बेहद विकट स्थिति बन गई थी, अपने कहा जाए कि शबाब में उस दिन पूरा शहर था चमकता हुआ, और शाम का वक्त था, मंगलवार का दिन था, मंदिरों में भीड़ दिखाई दे रही थी, जौहरी बाजार में भीड़ थी, फूलों की दुकान सजी हुई थी, मिठाइयों की दुकान सजी हुई थी, लेकिन उसी वक्त एक एक धमाके होते हैं। पहला धमाका माड़क चौक थाने में होता, थाने के पास होता है, दूसरा चांदपोल हनुमान मंदिर के पास होता है, तीसरा सांगानेर हनुमान मंदिर में होता है, सोजी हनुमान मंदिर को टारगेट किया गया था, चौथा नेशनल हैंडलूम जो कि जौहरी बाजार के पास है वहां पर होता है, पांचवा धमाका फूल वालों का खंदा बड़ी